हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अमरकंटक सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अमरकंटक सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ से भोपाल जंक्शन मध्य प्रदेश तक चलती है। ये ट्रेन डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। अमरकंटक एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 128/53, यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे साउथ ईस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ये 16 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं और 892 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है तकरीबन 55 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें अमरकंटक एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो अमरकंटक एक्सप्रेस का दुर्ग जंक्शन से भोपाल जंक्शन तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है लगभग 3,000 रुपये, सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1760 रुपये और थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1230 रुपये। इसमें स्लीपर क्लास के भी कोच है जिसका किराया जो है 465 रुपये के करीब है। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 250 रुपये के करीब है। ये जो किराया मैंने अभी आपको बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अमरकंटक सुपर फास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं दुर्ग जंक्शन से भोपाल तक इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। दोस्तों, अमरकंटक एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ से ये ट्रेन जो है हर रोज शाम को 6:20 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है भिलाई पावर हाउस। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 6:28 पर पहुंचती है और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन में पहुँचती है शाम के 6:57 पर और 7:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तिल्दा नेवरा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:31 पर और 7:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भाटापारा में पहुंचती है शाम के 7:50 पर और 7:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो बिलासपुर जंक्शन में पहुँचती है रात के 8:50 पर और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो करगी रोड स्टेशन में पहुँचती है रात के 9:36 पर और 9:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमरकंटक एक्सप्रेस जो है बेलघाना स्टेशन में पहुँचती है रात के 9:54 पर और 9:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पेंड्रा रोड स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:55 पर और 10:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अनूपपुर स्टेशन में पहुंचती है। अनूपपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:40 पर पहुंचती है और 11:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। ये मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो अमलई स्टेशन में पहुंचती है 11:56 पर रात को और 11:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो बुढ़हर स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:07 पर और 12:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शाहडोल स्टेशन में पहुंचती है। शाहडोल स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 12:32 पर पहुंचती है और 12:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बीर सिंहपुर में पहुंचती है। बीर सिंहपुर में ये ट्रेन जो है रात के 1:12 पर पहुंचती है और 1:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो उमरिया स्टेशन में पहुंचती है रात के 1:40 पर और 1:42 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी साउथ में पहुंचती है। कटनी साउथ में ये ट्रेन जो है रात के 3:05 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सिहोरा रोड स्टेशन में पहुंचती है 3:46 पर और 3:48 पर रात को वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है। जबलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह के 4:40 पर पहुंचती है और 4:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। मदन महल स्टेशन में ये 4:38 पर सुबह पहुंचती है और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है श्रीधाम स्टेशन में पहुंचती है।
सुबह 5:13 पे और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो नरसिंहपुर में पहुंचती है सुबह 5:46 पे और 5:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करेली स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6 बजे करीब और 1 मिनट बाद 6 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है और दुर्ग जंक्शन से करेली की जो दूरी है वो 655 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गडरवा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:14 पे और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो बनखेड़ी स्टेशन में पहुंचती है। बनखेड़ी स्टेशन में ये सुबह 6:43 पे पहुंचती है और 6:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है। पिपरिया स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 7 बजे पहुंचती है और 7:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है सुहागपुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7:19 पे और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:20 पे और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो होशंगाबाद स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:48 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो अब्दुल्लागंज में पहुंचती है सुबह 9:37 पे और 9:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन हबीबगंज भोपाल हबीबगंज में पहुंचती है सुबह 10:01 पे और 10:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरकंटक एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन भोपाल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:30 पे और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 891 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।